हेलो गाइस, कैसे हो आप। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक एम्पलीफायर और दो स्पीकर। तो इसको अभी हम बजा के देखेंगे और पहले इसकी डिटेल बता देता हूँ। बजाएंगे खाली NCS का म्यूज़िक ताकि कॉपीराइट ना लगे। और दूसरा मैं अभी ये दिखा देता हूँ इसके फीचर्स और इसमें क्या क्या लगा सकते हो आप, क्या नहीं लगा सकते वो सब डिटेल देता हूँ, ठीक है गाइस। तो गाइस ये आएगी एक ऑक्स केबल, ये आप देख लो इधर से, मैं बाहर निकाल देगी आपको दिखा देता हूँ। बाहर निकाल के आपको केबल दिख रही है, तो ये देखो ये केबल है ना, ये ऑक्स केबल इसको बोलते हैं। और ये कुछ 60 या 50 ऐसे कुछ प्राइस में मिल जाएगी आपको, नॉर्मल प्राइस है, आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगी। और आप ये ऑक्स केबल है वो यहाँ पे लगा सकते हो, ये ऑक्स का फुट दिया है, यहाँ पे ऑक्स केबल लगानी है आपको। और ये जो ऑक्स पिन है वो आपको मोबाइल में लगानी है ताकि बज सके, ठीक है। ये डायरेक्ट ब्लूटूथ से नहीं बजेगा, ये ऑक्स के इस वायर से बजेगा, ठीक है आपका सॉन्ग। दूसरा तो एक तो ये एसेसरी हो गई, अगर आप ये लो तो ये ले सकते हो। अगर आपको ब्लूटूथ से नहीं बजाना है, वायर से बजाना है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। और कार्ड रीडर, इसको कार्ड रीडर बोलते हैं, और ये नॉर्मली 30 40 50 में आ जाता है। ये आपको कार्ड रीडर क्या करना है, करता है ये कार्ड रीडर आपको यहाँ पे मेमोरी लगानी है, ठीक है आपकी। यहाँ पे आप मेमोरी लगाओगे और फिर मेमोरी लगा के ये कार्ड रीडर आपको USB वाले सॉकेट में लगानी है ऐसे। तो अभी ये कार्ड रीडर चालू हो गया है, तो आपका इससे भी गाना बज सकता है, ठीक है। और आप डायरेक्ट पेन ड्राइव भी लगा सकते हो इसमें, USB वाले में। और तीसरी चीज़ है वो है ये माइक, तो ये माइक आप लगा सकते हो यहाँ पे, माइक का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप माइक लगा सकते हो ये वाला, ठीक है गाइस। ये वाला माइक आप लगा सकते हो यहाँ पे वायर वाला, ठीक है। और गाइस मैं आपको माइक चालू करके दिखा देता हूँ, हेलो हेलो लगा गाइस आपने, यहाँ से वॉइस आ रही है, देख लो एक बार, हेलो 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 हेलो, ठीक है गाइस। तो ये माइक ऐसे वर्क करेगा आपका, ये जो बटन दिया हुआ है ये आपको ऑफ करोगे तब माइक वर्क करेगा, वरना आपका माइक वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बटन दबाने से क्या होगा, आपका जो FM और जो CD का पीछे दिया हुआ है, आप पीछे TV भी लगा सकते हो और DVD भी लगा सकते हो, तो उसके लिए ये दिया हुआ है CD के करके। तो ये बटन दबाओगे तो आपका वो वर्क करेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ बाद में थोड़ा पीछे का, ये बेसिक जो ये कहाँ पे लगा सकते हो आप, कौन सी चीज़ कहाँ पे लगा सकते हो। और गाइस ये तो गाइस ये साथ में नहीं आएगा, आपको ये अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ये बताने के लिए लिया है कि आप ये लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको साथ में नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ आपको इसमें जो वॉल्यूम मिलती है वो सबसे बेस्ट वॉल्यूम है, ये आप बड़े भी ले सकते हो, आपका बजट के ऊपर है। और ये छोटे में मैंने ये इसलिए दिखाया कि आपको पता चल सके कि इनकी भी आवाज़ कम नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा ऑन करके बता देता हूँ, थोड़ा NCS का म्यूज़िक बजा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये ले लेते हैं तो गाइस देखा, इस टाइप का कुछ साउंड मिलता है आपको NCS का, मैंने बजा के दिखा दिया। तो इस तरह का कुछ बजेगा, और आप नॉर्मल गाने बजाओगे तो और भी अच्छा बजेगा, ठीक है गाइस। तो ये तो मैंने चेक करवा दिया आपको इसकी साउंड, ठीक है। अब जो बेसिक चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको
इसको पीछे घुमा के, पहले मेरे को वायर निकालने पड़ेंगे थोड़े, रुक जाइए गाइस। सो गाइस अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो चार सॉकेट दिए हुए, आप यहाँ पे चार स्पीकर लगा सकते हो। और आपको चार लगाने हैं तो थोड़ी छोटी साइज ले लेना है इससे थोड़ी, ताकि इस पर लोड ना पड़े ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे आप चार स्पीकर लगा सकते हो, यहाँ पे सीडी का वो डीवीडी में बोल रहा था आपको, वो लगा सकते हो डीवीडी का। यहाँ पे ऊपर डीवीडी लगा सकते हो, यहाँ पे नीचे ये डिस्क लगा सकते हो, D2H लिखा हुआ नीचे देख लो आप। यह एंटीना है जो आपका FM पकड़ने की मदद करेगा, या आपको वायर कहीं पे लगाना है जहाँ पे आपका सिग्नल आ सके, ठीक है। और ये 12 वोल्टेज की DC बैटरी आती है, तो उससे आप ये बजा सकते हो, ठीक है। तो बस यही इसके फीचर्स थे, और मैंने आपको इसका सब कुछ बता दिया, बेसिक सब कुछ जो आपको जानना था। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को। और गाइस हाँ, मैं इसकी जो लिंक है या फिर इसका मैं अपना नंबर दे दूंगा व्हाट्सएप में, तो आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो गाइस, ठीक है।